नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। तांडा के समीप ग्राम इंदला में सुबह ग्रामीण पर किया तेंदुए ने हमला, 3 लोग घायल हो गए हैं। ग्रामीण इंदला में सुबह अपने खेत पर कपास बीनने के लिए जा रहे थे, तभी अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे ग्रामीण, इसमें तेंदुए की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल है, जिसके सिर पर पीठ पर तेंदुए के पंजे के निशान हैं और एक ग्रामीण लड़के के हाथ पर दांत के निशान आ गए हैं, जिसका उपचार हेतु तांडा के सरकारी हॉस्पिटल में किया जा रहा एवं उसके पास उसे रेफर सरदारपुर किया जाएगा। ग्रामीणों में भय का माहौल है। धार से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है बाबा तेरा? कहाँ रहता? क्या हुआ? कहाँ पे? क्या करने के लिए गया था तू? कपास बीनते थे। कपास बीन रहा था? कौन कौन गए थे? बहुत सारा पड़ गया था। हाँ, वहाँ शेर बैठा हुआ था। आजकल कोई दिया था ना उनको पकड़ दिए। सर क्या कुछ हुआ? 11 बजे के आसपास हमारे पास 3 लोग आए थे, परिजनों द्वारा लाए गए। उन्हें बताया जा रहा था कि शेर ने हमला किया है उन पे, और जब इनका इलाज करा हमने और प्राथमिक उपचार दिया इन्हें, तो उसमें पंजों के निशान पाए गए। किसी जंगली जानवर ने इन पर हमला किया। एक इंदर सिंह नाम से है, एक का नाम दिनेश है, एक का नाम रवि है। इंदर सिंह के सर में चोट आई है, उसके सर में टाके भी आए हैं, और इंदर सिंह के यहाँ पे पूरा जो चमड़ी है उसको फाड़ दिया गया है जानवर द्वारा। प्राथमिक उपचार दे दिया गया है उन्हें, और बाकी जांचों के लिए ऊपर सरदारपुर में रेफर किया जाएगा उनको। आपका शुभ नाम? डॉक्टर यत्न जैन, CHC टांडा।